वैराट नगर में स्मैक का प्रचलन तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्मैक के कारण कई परिवार टूट जाते हैं। वहीं स्मैक बेचने वाले लोगों पर वैराट पुलिस का संरक्षण होने के कारण उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। आपको बता दें कि वैराट में रहने वाले युवक ने बताया कि उसका छोटा भाई स्मैक का आदी हो चुका है एवं वह आए दिन परिवार के साथ विवाद करता है, जिसकी शिकायत उसने वैराट थाने में की, पर सुनवाई न होने के चलते परिवार में विवाद बना हुआ है। वैराट से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। जो स्मैक का क्या कुछ मामला है? बैराड में स्मैक हर घर, हर मोहल्ले, हर गली में बिक रही है और धड़ल्ले से बिक रही है। इसमें बैराड थाने के कुछ आरक्षकों की यह देन है कि बैराड आज नशे में ढकेल दिया गया है। इसमें कई घर संपूर्ण रूप से बर्बाद हो चुके हैं। इसका जीता जागता उदाहरण है, मेरा खुद का घर बर्बाद हो गया है और मैं इस संबंध में कई बार थाना प्रभारी को मौके एवं लिखित में आवेदन पत्र सहित दे चुका हूँ, लेकिन आज दिनांक तक कोई कार्रवाई इसमें अच्छियों पर नहीं हुई। इसकी शिकायत आपने थाना प्रभारी वरिष्ठ अधिकारियों से की है कभी? नहीं, मैंने एक बार माननीय मंत्री जी से भी शिकायत की थी बैराट थाने में, जहाँ पर सभी जनप्रतिनिधि एवं पुलिस स्टाफ सहित सभी की मीटिंग हुई और वहाँ कहा भी गया, आश्वासन भी मिला कि कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज भी बकायदा स्मैक का कारोबार चरम सीमा पर है। और ऐसे हॉटस्पॉट एरिया मानो तो आप दोरिया रोड, बैराड गांव, अपना बिजली विभाग। आपको बैराड में किसी पे सगे कौन बेचता है, कुछ नाम वगैरह? गुप्त पुलिस की पूरी निगाह में है। आपके घर में किसको स्मैक का कौन आदि है? मेरा छोटा भाई आदि था।